प्लीज़ आप लोग लव मैरिज कभी मत करिए। रोशन जी आप जहाँ भी कहीं हैं प्लीज़ आप आ जाइए, प्लीज़ यू टू फैमिली हेल्प मी प्लीज़। गाइस गुड मॉर्निंग, आप लोग सोच रहेंगे कि अभी फिर क्यों रो रही है, सो हम आप लोग को इसलिए बताना चाहते हैं कि अभी तक हमारा जो हम दोनों का आपसी मामला अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, और हम आज 5-6 दिन हो गया है अभी तक हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुआ है, और रोशन जी अभी तक फ़ोन भी नहीं किए इतना दिन होते हुए, जो कि हम दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी अलग होने से कितना घबराते थे, लेकिन आज वही रोशन जी आज हमसे बात करना भी नहीं चाहते हैं। आखिर क्यों हमसे बात करना नहीं चाहते रोशन जी? प्लीज़ यूट्यूब फैमिली आप लोग हमें सपोर्ट करिए, प्लीज़ आप लोग के हाथ में है हमारा हम दोनों का मिलना, तो प्लीज़ आप लोग और हमारे मतलब हम ना मतलब एक्चुअली ना रोशन जी क्यों गए पता नहीं, बट इतना याद है कि हम ना मतलब नाइट में ना वो हमसे मतलब ऐसे कि मतलब जो थोड़ा थोड़ा होता है ना बहस, मतलब हम दोनों में थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया था, तो हम दोनों में थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, सो हम ना उन पर गुस्सा से आके थोड़ा बहुत चिल्ला दिए थे, सो इसीलिए वो आई नो कि आप लोग प्लीज़ आप लोग प्यार कभी मत करिए, प्यार करके शादी करना इस आप लोग मतलब एग्जैक्टली मतलब आप लोग जो है मतलब प्यार का जो है मीनिंग समझिए, लव या भी आप लोग कोई भी मतलब लव मैरिज कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं तो आप दोनों का मतलब मर्जी से होना चाहिए, ऐसे होता है और हम दोनों भी किए हैं, लेकिन कभी कभी जो है लव मैरिज में कुछ ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जिनका सामना करना पड़ता है, और हमें बहुत मुश्किल हो रहा था करने में और अभी भी हो रहा है, बट आई थिंक कि हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हम दोनों के बीच में हो सकता है, जो कि हम इतना ज़्यादा हर्ट हो गए थे, और हमारा शादी का 3 साल हो चुका है, और 3 साल के मतलब ये हम दोनों का फर्स्ट लड़ाई हुआ, और वो भी मतलब उसमें भी इतना बड़ा लड़ाई कैसे हो गया हम दोनों में। आई नो हम थोड़ा मतलब वो ऐसे बोल रहे थे कि हम ना आपको छोड़ के जाएंगे, तो हमने बोला ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बस इतना ही हमें पता है, वो बोल रहे थे आपको छोड़ के हम चले जाएंगे, बट कहाँ जाएंगे ये हमें एक बार भी नहीं बताया। आखिर उन्होंने तो हमसे शादी की है, वो हमें तो बता सकते हैं हर एक चीज़, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो हम ना बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे और बहुत ज़्यादा रो भी रहे थे, तो उन्होंने ना पता आप लोग को मतलब शाम में जब हम लोग मतलब खाना वाना खाए थे तो हमने पूछा भी आप कहाँ पर है, बोले कि कुछ नहीं मैं आ रहा हूँ, उसके बाद जो है ना शाम से मतलब कि फ़ोन ट्रैक कर करके थक चुके हैं, अभी आज 5-6 दिन हो गया फाइनली, अभी तक मतलब 5 दिन हो गया है फाइनली, और अभी तक मतलब फ़ोन कर रहे, फ़ोन मतलब स्विच ऑफ, मोबाइल स्विच ऑफ ऐसे कैसे हो सकता है यार, एक बार कॉल करके भी तो कर सकते हैं ना हम यहाँ पर हैं। अगर आप जहाँ भी हैं रोशन जी तो आई थिंक आप खुश रहिए, हम इतना ही आपका इतना ही चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते, आई लव यू रोशन जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज़ आप आ जाइए घर, प्लीज़ यूट्यूब फैमिली हेल्प मी, और आगे हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि रोशन जी की जब जब याद आती है हम बहुत ज़्यादा रो पड़ते हैं, तो प्लीज़ इससे आगे हम नहीं बोल सकते हैं।